गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी का फिफ्थ चैप्टर द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस ग्रीनलैंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। जनरली जब हम ग्लोब को स्टडी करते हैं, मैंने बताया था, जब हम ग्लोब को स्टडी करते हैं इसमें हमें फिक्स पॉइंट मिलता है जिसको हम पोलर रीजन बोलते हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। आज का जो हमारा चैप्टर है द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, दैट मीन्स ये नाम सिटी स्पेसिफिक है, मतलब बर्फ से घिरा हुआ है ग्रीनलैंड। ये जनरली पोलर रीजन में मिलता है, नॉर्दर्न पोल में इसका पोजिशन है, जहाँ पे हमारी सनरेज जो है डायरेक्टली नहीं पड़ता है, स्लैंटिंगली पड़ता है। सनरेज स्लैंटिंगली पड़ता है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सनलाइट बहुत कम अमाउंट में पड़ता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होता है बहुत सारे जगह में। इक्वेटर रीजन में कम एरिया को कवर करता है, इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसलिए जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है बहुत कम, इंडिविजुअली एरिया को कम मिलता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीनलैंड है, इसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, पोजिशन है, ये हमारे नॉर्दर्न पोल में है। ठीक है, जनरली स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली ये आपके आर्कटिक सर्कल में आएगा। जब हम ग्लोब को स्टडी करते हैं, इक्वेटर आपका 0 डिग्री में पे आ जाता है, देन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड नॉर्थ पोल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सर्कल है, आर्कटिक सर्कल, ये हो गया आपका आर्कटिक सर्कल। तो ये जो ग्रीनलैंड की पोजिशन है वो आर्कटिक सर्कल में है। जनरली ये एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को कुछ पार्ट को क्रॉस करके जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल ग्लोब में बिल्कुल अच्छी तरह से दिया रखा है। यूरोप में कुछ पोर्शन, ये जो ग्रीनलैंड है द ब्राउन कलर स्ट्रक्चर, ठीक है, स्नोई एरिया है, इसको हम जनरली द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस भी बोलते हैं। यहाँ पे ग्लोब मतलब मैप में बहुत अच्छी तरह से यूरोप में कुछ पार्ट कवर कर रहा है, एशिया कंटिनेंट में कुछ पार्ट कवर कर रहा है, उसके साथ नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट भी कवर कर रहा है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये जो ग्रीनलैंड है इट इज़ अदरवाइज इसको हम द टुंडा रीजन भी बोलते हैं। ग्रीनलैंड मैप में ज्योग्राफिकल अगर हम इसको देखेंगे, ये नॉर्थ कनाडा के नॉर्थ पोर्शन में रहता है और ये नॉर्थ पोल से 650 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, नॉर्थ पोल से इसका जो डिस्टेंस है 650 किलोमीटर और कनाडा की नॉर्थ साइड में ये रहता है, कनाडा की नॉर्थ। ठीक है, जैसे कि ये पोलर रीजन में है तो साल भर बर्फ गिरता रहता है, एरिया साल भर इट इज कवर्ड विथ स्नो। ठीक है, ऐसे मतलब ज़्यादा वहाँ पे जो बर्फ गिरता है, इसकी वजह से जो पहाड़े हैं वहाँ पे, जो माउंटेन्स है उसके ऊपर ऐसे लगता है कि बर्फ बिल्कुल ढका हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं द आइस कैप्स। आइस कैप्स, आइस कैप क्या होगा, द स्नो विल कवर द माउंटेन्स, द स्नो विल कवर द माउंटेन्स। जब बर्फ पूरा पहाड़ पर ढका हुआ रहता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं द आइस कैप्स। कभी कभी आइस कैप्स पहाड़ से अलग होके कहीं पे, जैसे इधर रखा है दिस थिक आइस कवरिंग इज ऑफन कॉल्ड आइस कैप, इसको हम आइस कैप बोलते हैं। ऑफन लार्ज पीसेस ऑफ आइस जस्ट ब्रेक अवे फ्रॉम द मेन मास, ये जो मेन मास जब माउंटेन से क्या होता है, कभी कभी ये जो आइस कैप्स होता है वो अलग होके जाके ओशंस में गिरता है, जिसको हम आइस बॉक्स बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं आइस बॉक्स। तो आइस बॉक्स जो होता है, इसका पानी के ऊपर जितना पोर्शन हमें दिखाई देता है ये सिर्फ 1/10 पोर्शन है, मीन्स 10 पार्ट से हमें सिर्फ 1 पार्ट दिखाई देता है, 9 पार्ट बिलो दी वाटर पानी के नीचे रहता है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, मतलब जैसे आपका बड़े बड़े सीप के लिए, जो हमारे 1912 में 14 अप्रैल को जो टाइटेनिक का सीप हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, वो भी सिर्फ ये ह्यूज मास ऑफ आइस बॉक्स के लिए हुआ था। तो आइस बॉक्स क्या है ना, फर्स्ट हम देखेंगे आइस कैप्स, जैसे कि टुंडा रीजन, मैंने कहा ग्रीनलैंड को हम टुंडा रीजन भी बोलते हैं, ये पोलर रीजन में है तो सनलाइट वहाँ पे स्लैंटिंगली पड़ता है, जिसकी वजह से साल भर बर्फ ढका हुआ रहता है। बड़े बड़े पहाड़ की चोटियाँ जो होती है बर्फ से ढका हुआ रहता है, इस स्ट्रक्चर को हम आइस कैप्स बोलते हैं। कभी कभी जो आइस कैप्स मेन मास मीन्स माउंटेन से अलग होकर जाके समुद्र में गिरता है, तब इस कंडीशन को हम आइस बॉक्स बोलते हैं। आइस बॉक्स जो पानी के ऊपर हम विजिबल होता है देखते हैं, वो सिर्फ 1/10 पार्ट है, मीन्स 10 पार्ट से सिर्फ हमें 1 पार्ट ही देख पाते हैं, 9 पार्ट जो होता है पानी के अंदर रहता है। ये इतना खतरनाक होता है, बड़े बड़े सिर्फ बड़े बड़े जहाज को भी डुबा सकता है। एग्जाम्पल्स दिया मैंने, टाइटैनिक सिंक हुआ था, तो
फर्स्ट ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की खोज पहले हमारी जो ज्योग्राफिस्ट थे इस रीजन ऑफ ग्रीक कॉल्ड पाइथीज, ठीक है, एक ग्रीक जियोलॉजिस्ट पाइथीज जिनके नाम में उन्होंने ग्रीनलैंड का डिस्कवर किया था इन द एरिया ऑफ 325 BC में ग्रीनलैंड का खोज करवाया गया था, जो कि पोलर रीजन है, स्पेसिफिक आर्कटिक सर्कल में है। आर्कटिक सर्कल ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉर्थ पोल के बीच में, कनाडा के नॉर्थ में एंड 650 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्दर्न पोल, ठीक है, नॉर्दर्न पोल से 650 किलोमीटर की दूरी पे और कनाडा के नॉर्थ पोजिशन में, मीन्स कनाडा और नॉर्थ पोल के बीच में आपका ग्रीनलैंड पोजिशन उसका है, और वो एक साथ तीन कंटिनेंट को से कुछ कुछ पार्ट कवर कर लेता है, आपका नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप ये तीनों पार्ट्स को कवर करता है। देन नेक्स्ट में हम इसके क्लाइमेट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा ये पोलर रीजन में ग्रीनलैंड रिमेंस कोल्ड थ्रू आउट दी साल भर, ये बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ रहता है तो ऑब्वियसली ठंडा ही रहता है। इन समर देयर इज कंटिन्यूस डे लाइट, और समर में समर वैकेशंस में समर डे में समर सीजन्स में ये कंटिन्यूस सनलाइट प्रोवाइड करता है, द सन शाइन्स इवन इन मिडनाइट, और यहाँ पे क्या होता है आधी रात को भी सनलाइट वहाँ पे मिलता है, इसी जगह को हम बोलते हैं क्योंकि जो ये पॉइंट दे रखा है ना कि मिडनाइट आधी रात को भी सूरज देता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है तो वहाँ पे आधी रात को सूरज देता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं द मिडनाइट सन, ठीक है, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सा है, ग्रीनलैंड, ये था टुंड्रा रीजन। विंटर्स आर एक्सट्रीमली सीवियर, यहाँ पे जो सर्दी के मौसम होते हैं विंटर सीजन होता है बहुत ठंडा होता है, सिंस द सन डजंट राइज अबाउट द होराइजन ऑफ द आर्कटिक रीजन फॉर एनी मंथ्स, क्योंकि जो सनलाइट मैंने कहा इसका वहाँ पे आर्कटिक सर्कल में कोई सन नहीं, यहाँ पे सूरज की रश्मि स्लांटिंग नहीं पड़ता है जो कि आपका आर्कटिक सर्कल को टच नहीं कर पाता अच्छी तरह से, इसीलिए वहाँ पे साल भर मतलब विंटर सीजन जो रहता है बहुत ठंडा रहता है, देर इज नो सनलाइट एट ऑल, और वहाँ पे पोजिशन के लिए वहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं पड़ता, स्नोफॉल्स बर्फ गिरता रहता है साल भर, विंड्स की और चिली और ठंडी हवा बहता रहता है, द स्टॉर्म्स आर हार्श एंड डेंजरस, देर इज नो हिल्स एंड ट्रीज फॉर प्रोटेक्शन, इसीलिए यही रीजन है इतना ठंडी हवा चलता रहता है जिसकी वजह से पौधों को भी एडजस्ट करना वहाँ पर मुश्किल हो जाता है, देर इज ए डेंजर ऑफ फ्रॉस्ट वाइट इन दिस कंडीशन और हर कंडीशन में, और यहाँ पे एडजस्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है, एक तो साल भर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बर्फ गिरता है, बिल्कुल ठंडी हवा जो बहता रहता है, क्योंकि सनलाइट बिल्कुल टच नहीं कर पाता, आर्कटिक सर्कल में पोलर रीजन हो जाता है, स्लांटिंग भी पड़ता है, ऐसा लगता है बिल्कुल कुछ दिन के लिए सन बिल्कुल गायब है, इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है क्लाइमेट इट इज़ एक्सट्रीमली सीवियरली कोल्ड, ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में आगे डिस्कशन करेंगे, थैंक यू।